सभी को नमस्कार। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आप लोगों की सेवा में ज्योतिष का चैप्टर लेके आया हूँ। नई नई जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, उसी नई नई जानकारियों में आज का जो हमारा अध्याय है वो है नक्षत्र, कि नक्षत्र हमारे जीवन में कैसे कैसे काम करता है, नक्षत्र से हम क्या क्या देख सकते हैं, नक्षत्र हमें कैसे प्रभावित करता है। आपके सामने बोर्ड पे नक्षत्र बना हुआ है। यह नक्षत्र है अश्विनी, इसके देवता अश्विनी कुमार हैं, इसका स्वामी केतु है और इसकी अवस्था जो है गंडमूल होती है। गंडमूल पूजा का नक्षत्र होता है, इसमें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पूजा करानी बहुत ज़रूरी है, उसके मूल नक्षत्र की शांति करानी बहुत ज़रूरी होती है। हम आपको जो नई नई जानकारी दिखा रहे हैं उन जानकारियों में आज आपको हम जो ज्ञान दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी है आपके लिए नक्षत्र का ज्ञान। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र कैसे बनते हैं, नक्षत्र का मतलब क्या है, आपको हमने सारी बात अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं नक्षत्र ज्ञान के बारे में। आज का जो ज्ञान है, हमारे जो नक्षत्र होते हैं वो 27 होते हैं। मैं आपको कल इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 27 नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्र आपको एक बार फिर बता देता हूँ, पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगश्रा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होता है। इसमें मित्रों एक नक्षत्र और आता है, उसको कहते हैं अभिजीत नक्षत्र। इस अभिजीत नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा की 15 घटी और श्रवण की प्रारंभ की 4 घटी हम लेते हैं, तब जाके नक्षत्र 19 घटी का बनता है, इसको हम कहते हैं अभिजीत नक्षत्र। इसके स्वामी विष्णु होते हैं। अब आपको मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ नक्षत्रों के बारे में। तो आज का जो नक्षत्र है वो है अश्विनी, इसके बाद आपको भरणी का सारा चित्रण किया जाएगा, उसके बाद कृतिका का, फिर रोहिणी का। तो क्रम से ऐसे ही मैं आपको हर नक्षत्र के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, एक नक्षत्र का एक वीडियो, ताकि आपको ये आसानी से सरल भाषा में ये सबको समझ आ जाए कि नक्षत्र का पूरा मतलब क्या होता है, नक्षत्र हमारी जिंदगी में, जातक की जिंदगी में किस प्रकार प्रभाव डालता है। आज का नक्षत्र अश्विनी है, देवता अश्विनी कुमार, स्वामी केतु है और अवस्था उसकी गंडमूल होती है। ये गंडमूल का नक्षत्र है। दोस्तों, हमारा जो चैनल है उसका नाम है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, यूट्यूब का चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार। आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें एक बेल पुश बटन है आप उसको दबाएं, तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे या जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे सबसे पहले वो वीडियो हमारा आपको मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो नई नई जानकारियाँ हैं, मैं बेसिक आपको ज्योतिष का सिखा रहा हूँ। पहले मैंने आपको राशि के बारे में ज्ञान दिया, उसके बाद मैंने आपको लग्न के बारे में ज्ञान दिया, उसके बाद मैंने आपको ग्रहों के बारे में ज्ञान दे चुका हूँ, उसके बाद मैंने आपको भावों के बारे में बताया किस भाव से क्या विचारते हैं। अब जो अगला चैप्टर है, जो आज से अध्याय शुरू हो रहा है, ये 27 नक्षत्रों का 27 अध्याय बनेंगे आपके लिए। आज पहला अध्याय शुरू है, इसको कहते हैं अश्विनी नक्षत्र। ये अश्विनी नक्षत्र मित्रों आपके सामने, इस अश्विनी नक्षत्र में क्या होता है, कैसे होता है, ये जातक पर किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं, वो चीज़ मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी नक्षत्र का प्रथम स्थान है, क्योंकि पहला नक्षत्र है। इसके जो स्वामी हैं वो केतु हैं, ये गंडमूल का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो इसके जो देवता हैं वो आपके सामने लिखा हुआ, देवता अश्विनी कुमार है, स्वामी केतु है और अवस्था गंडमूल है इसकी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें जो अक्षर आते हैं वो आते हैं चू, चे, लो और ला। इसमें नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो नक्षत्र आम तौर पे हम 60 घटी का मान के चलते हैं कि नक्षत्र के जो भ्रमण है वो 60 घटी का होता है, लेकिन कई बार ये कम भी हो जाता है, 60 घटी के जगह 60 घटी का भी हो जाता है।
55 घटी का भी हो जाता है, 57 घटी का, 56 घटी का, 62 का, 65 का भी हो जाता है। कई बार नक्षत्र छोटा हो जाता है, कई बार नक्षत्र बड़ा हो जाता है। अमूमन हम एक अगर मध्य में मान के चलें तो मध्य का मतलब होता है कि ये नक्षत्र हम 60 घटी का मान के चलते हैं। तो एक जो इसका चरण बनता है, एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं, चार चरण के चार अक्षर होते हैं। पहला अक्षर चू छे लो और ला, चू छे चो और ला, ये चार अक्षर होते हैं इसके अश्विनी नक्षत्र में। और जो एक चरण है वो हम तकरीबन, मैं कन्फर्म नहीं बता रहा आपको, तकरीबन 15 घटी का एक चरण हम मान के चलते हैं। इसमें 2 घटी कम भी हो सकते हैं कई नक्षत्र में, कई में 2 घटी ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो गोचर है, जो गोचर कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो 60 घटी का हम अमूमन नक्षत्र को मान के चलते हैं। इसके बारे में बताते हैं, इसमें जो ज़्यादातर जन्मे जातक हैं वो साधारणतया भाग्यवान होते हैं। अश्विनी नक्षत्र बहुत बढ़िया नक्षत्र है, जातक भाग्यवान होगा, सुंदर होगा, चतुर होगा, सौभाग्यशाली होगा, स्वतंत्र विचारों का होगा, आधुनिक सोच के लिए अपने मित्रों में प्रसिद्ध होगा। आधुनिक सोच जो आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है या एडवांस थिंकिंग है उसके बारे में वो अपने मित्रों में प्रसिद्ध होता है। इस नक्षत्र में जो जन्म जातक लेता है वो बहुत बड़ा ऊर्जावान होता है, और ऊर्जावान होने के साथ साथ हमेशा सक्रिय रहता है। इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं इन्हें संतुष्ट नहीं होने देती हैं, इनकी जो इच्छाएं हैं महत्वाकांक्षा उनको संतुष्ट नहीं होने देती हैं। इसलिए ये लोग अपने महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। ये लोग सभी से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, हस्तक्षेप ना पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, ना किसी के बीच में हस्तक्षेप करते हैं। तो इनका एक गुण होता है कि ये किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करते, और इनके बीच में अगर कोई इंटरफेयर करता है तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ये थोड़े रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग अच्छा जीवन साथी और अच्छा मित्र साबित होता है। जो अक्षीण समय जन्म लेता है वो एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा या अच्छा मित्र साबित होता है। ये नक्षत्र वाले जातक कुछ खर्चीले भी होते हैं, जायदाद संबंधी परेशानी भी इनको समय बनी रहती है, भाइयों से झगड़ा भी हो जाता है। ये अपने इरादों के दृढ़ और पक्के होते हैं, इन लोगों के बड़े ही आज्ञाकार होते हैं। ये किसके आज्ञाकार होते हैं? जो इन्हें प्यार करता है, जो इनके साथ में स्नेह करता है तो उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके बड़े आज्ञाकार होते हैं। इनके अच्छे मित्र उनके सिद्ध होते हैं जो इनको प्यार करते हैं। सबसे मतलब ये है कि ये थोड़ा सा प्यार के भूखे होते हैं, और जो भी इनको प्यार करता है, चाहे इनका मित्र हो, चाहे इनकी पत्नी हो, चाहे इनके बच्चे हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, उनके ये आज्ञाकारी होते हैं, उनकी बात को ये कभी टालते नहीं हैं। ये लोग हर काम को बहुत सोच समझ के करते हैं, तो इनको जो है ना जो आर्थिक लाभ है वो थोड़ा सा इनका आर्थिक पक्ष जो है हमेशा कमजोर ही रहता है। हालांकि इनका कोई काम नहीं रुकता, लेकिन इनका जो आर्थिक पक्ष है वो हमेशा कमजोर ही रहता है। इस नक्षत्र की जो जातिका होती हैं, महिला होती हैं, वो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर आँखों वाली होती हैं, और उनकी छवि बहुत आकर्षक होती है, और उनकी वाणी बहुत मधुर होती है, दिल की साफ होती हैं, थोड़ी कामुक भी होती हैं, लेकिन वो सभी का मान सम्मान भी करती है। इसकी जो जातिका है, जिसकी जो जातक हैं अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं, वो जातक अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, गुप्त विद्या, गुप्त विद्या समझते हैं ना, गुप्त विद्या होती है तांत्रिक विद्या इसको कहते हैं, उसकी विद्या में ये कई विषयों के ज्ञाता होते हैं गुप्त विद्या में, लेकिन ये विशेषज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट जो है ये किसी भी चीज़ में किसी भी लाइन में ये कम ही होते हैं। जो महिला जातक हैं वो पूर्ण ग्रह दक्ष होती हैं, जैसे हम कहते हैं भाई ग्रह कार्य में बिल्कुल पूर्ण हैं, दक्ष हैं, ऐसी होती हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी खाने पीने का इनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और बड़ा अच्छा खाना ये महिला जातक बनाती हैं। इन जातकों को अपने परिवार से प्रेम भी होता है, लेकिन साधारणतया कम ही मिलती है। इनको जो परिवार से प्रेम होता है, लेकिन इनको जो परिवार से सहायता मिलनी चाहिए वो सपोर्ट इनको नहीं मिल पाती है। इसी नक्षत्र वाले जो हैं, इनको ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, व्यवसाय हो जाता है, वो अच्छा इनके रहता है, और इनकी जो तंदुरुस्त शरीर है, लाल लाल आँखें होती हैं, आगे निकले हुए इनके दांत होते हैं, चेहरे पर किसी प्रकार का इनका निशान होता है ऐसे लोगों के ऊपर। ये जातक ईर्ष्याखोर होते हैं, शौकीन होते हैं, निर्भय होते हैं, और औरतों में ये आसक्ति रखते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो आपको बीमारी लगेंगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है सिर दर्द, माइग्रेन का दर्द वगैरह, आँख का दर्द, चमड़ी की कोई बीमारी, चमड़ी का दर्द वगैरह कोई हो गया, या चमड़ी का कोई रोग हो गया। इनको सवारी का जो अच्छा शौक होता है, घुड़सवारी भी बहुत करते हैं, घुड़सवारी के व्यवसाय भी कर सकते हैं ये लोग, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, मशीनरी का काम कर सकते हैं, तो ये जो काम है इनको बड़े लाभदायक होते हैं। तो जो
हम जो गोचर कुंडली की बात करते हैं तो उस कुंडली के हिसाब से जब नक्षत्र अगर ईशान दशा का ये अपने को इंगित करता है कि जो अश्विनी नक्षत्र है ईशान दशा का स्वामी है ये, और ईशान कोण में होने वाली हर घटना कोई कारण किसी भी तरह की कोई बात होती है तो उसके लिए जिम्मेदार अश्विनी नक्षत्र होता है, क्योंकि ईशान कोण इसी का है नक्षत्र का, क्योंकि जो कोण बना रखे हैं हमने अपनी कुंडली में वो उस कोण में ईशान कोण जो बनता है वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर आता है। देश का प्रदेश का फलादेश करते समय हमें ईशान कोण के बारे में भी सोचना चाहिए, तो इनका जो विचार है वो भी हम अश्विनी नक्षत्र से कर सकते हैं। ये जो जातक हैं इनके लिए अगर कैरियर चुनना हो अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं तो उनके लिए जैसे मिलिट्री है, पुलिस का कार्यभार हो गया, या मेडिकल हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सर्जन वगैरह हो गए, क्योंकि जो केतु है केतु का जो प्रभाव है मंगल जैसा होता है, तो जैसे मंगल भी हमें सर्जरी देता है, मेडिकल का ज्ञान देता है, उससे कुछ मिलता जुलता इसका प्रभाव होता है, क्योंकि ये मेष राशि में आता है अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो इस प्रकार दोनों की मिलती जुलती ये इनका करियर बनता है इससे। तो इसमें स्वास्थ्य सर्जन हो गया, न्याय है, और जैसे जेल के कर्मचारी वगैरह हो गए, रेलवे के कर्मचारी हो गए, मशीनरी वगैरह का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, तो इस तरह के काम इनको लाभदायक होते हैं। तो सिर दर्द का हमारा जो हृदय का सिर में कोई चोट लगी है, कोई पीलिया है, कोई मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, वो भी इससे विचार करते हैं। मलेरिया है, अनिद्रा है, नाड़ी विकार है, फोड़ा फुंसी है, ये सब का विचार इसी नक्षत्र से किया जाता है। तो गंडमूल नक्षत्र होने के कारण ये पूजा वाला नक्षत्र, ये पूज्य होता है, तो इसकी पूजा की जाती है। जब भी कोई जातक गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेता है उसके शांति कराई जाती है और वो शांति इसकी पूजा पाठ से ही होती है। इसके जो देवता है वो अश्विनी कुमार हैं और इसका जो स्वामी है केतु होता है, तो इसमें एक अपामार्ग का पौधा आता है, वो अपामार्ग पौधे की जड़ को अगर लाल कपड़े में लपेट करके भुजा में बांधे तो हमें अगर अश्विनी नक्षत्र से लेकर कोई परेशानी हो रही है तो उसमें हमें निजात मिलती है। इसके लिए जो अश्विनी कुमार हैं इसका स्वामी जो केतु हैं उनके लिए आप लहसुन या जिसको हम इंग्लिश में कैट साई बोलते हैं, लहसुन या एक रत्न आता है और वो रत्न आप चांदी में धारण कर सकते हैं, तो इनके लिए इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इसके लिए इनका दान करना चाहिए केतु का, और केतु की पूजा भी करनी चाहिए, केतु के जाप भी आप कर सकते हैं अगर आपको अश्विनी नक्षत्र से कोई परेशानी है। तो मित्रों ये आज मैंने पहला नक्षत्र जिसका नाम है अश्विनी, आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में जानकारी दी है। अगले वाला मेरा जो वीडियो आएगा वो भरणी नक्षत्र का होगा, नक्षत्र ज्ञान अध्याय 2 भरणी नक्षत्र का अगले बार वीडियो आएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, तो मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, मेरी गुजारिश भी है, आप हमारा ये चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, आप इसे देखें और सब्सक्राइब करें इसको, इसमें बेल पुश बटन है इसको भी आप दबाएं, और इसके बाद में आप हमें अपने कमेंट भी ज़रूर दें, कमेंट में अपने सुझाव लिखें, हमें किसी तरह के सुझाव देने हों तो आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे फ़ोन नंबर इसमें नीचे दे रखे हैं, फ़ोन नंबर के साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने से पहले समय लेके अगर फ़ोन करेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। तो मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, आप इसको देखें और मुझे अपने सुझाव अमूल्य सुझाव अवश्य दें। कल अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो होगा भरणी नक्षत्र का अध्याय 2 नक्षत्र ज्ञान भरणी नक्षत्र 2, कल आपको सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।